बलरामपुर जिले के बाल श्रमिक आश्रम के कर्मचारियों ने कलेक्टर और श्रम पदाधिकारी को ज्ञापन सौंपा, 18 महीने का लंबित मानदेय देने की मांग की है। दरअसल केंद्र सरकार के द्वारा जिले के श्रम कार्यालय से जानकारी मंगाई गई थी। जितने बाल श्रमिक कर्मचारियों का मानदेय लंबित है उनकी जानकारी भेजने को कहा गया था। इसकी जानकारी लगते ही बाल श्रमिक आश्रम सरगुजा सूरजपुर बलरामपुर जिले के कर्मचारी इकट्ठे हुए। उन्होंने लंबित मानदेय संबंधित जानकारी तैयार की और कलेक्टर और श्रम पदाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा। कर्मचारियों ने बताया कि वर्ष 2014 से बाल श्रमिक आश्रम का अस्तित्व समाप्त कर दिया गया था, जिसमें करीब 100 से ज्यादा कर्मचारी काम कर रहे थे। यहाँ आश्रम में रहने वाले बच्चों को अन्य स्कूलों में आश्रम के कर्मचारियों को अब तक ना तो स्थापित किया गया है ना ही उनका मर्ज किया गया है। कर्मचारी अपने भविष्य और मांगों को लेकर लगातार संघर्ष करते रहे, लेकिन अब रुके हुए मानदेय के मिलने की संभावना है। वहीं इन्हें अब अपने भविष्य की चिंता सताने लगी है, क्योंकि मौजूदा सरकार ने चुनावी घोषणा में तो कहा था कि कर्मचारियों को नौकरी दी जाएगी, लेकिन अब तक उन्हें इतने समय बाद, इतने साल बीतने बाद भी नौकरी नहीं मिली है। मैं श्रीमती नीलम गुप्ता, सरगुजा सीतापुर से, बाल श्रमिक आश्रम सीतापुर। आज यहाँ पर आप लोग किस लिए आए थे और क्या कुछ खास रहा? हम लोग आज यहाँ पे जो मानदेय की राशि लंबित जो बचा हुआ था उसको परसों हम लोग आए थे जानकारी देने, तो उन्होंने बोला कि आप लोग आश्रम वाइज इसको दीजिए और माहवार। तो हम सब सरगुजा सूरजपुर बलरामपुर तीनों जिले के हम लोग आए और अपना आश्रम वाइज बना के, जो कि केंद्र का 8 माह का और राज्य शासन का जो अनुदान देती थी वो 12 माह का बना के हमने दिया है। तो ऐसे तो लग रहा है कि आज जो इतने दिन से नहीं मिला था वो पैसा, आशा की किरण जगी है। और हम श्रम विभाग में बोले, सर जब बच्चों का समायोजन किया गया तो हमें क्यों बाहर फेंक दिया गया? उनके साथ हमें भी समायोजन करना चाहिए था। अब इस उम्र में हम कहाँ जाएंगे और क्या कर सकते हैं? हमारी स्थिति भी, हमारी उम्र भी और सब चुत चला गया है उस बाल श्रमिक के कारण। तो वो हमें भी कहीं ना कहीं समायोजन, समावेश जो भी उनसे बनता है वो करें। तो साहब ने बोला ठीक है, हम आप लोगों की बात को आगे बढ़ाएंगे, ऐसे करके साहब ने बताया। ये तो लगता है आज उनकी बातों से आश्वासन तो मिला है, एक आशा की किरण तो जगी है कि हमें वो मानदेय भी मिल जाएगा। और शायद यहाँ पे अधिकारी लोग बोले कि हम आपके बारे में चर्चा करेंगे और आप लोग के भविष्य को देखते हुए हम जरूर कुछ ना कुछ आप लोग के लिए करेंगे।